दोस्तों आज हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का नो लोड लास्ट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट या कोर लास्ट टेस्ट या आयरन लास्ट टेस्ट कैसे करते हैं। ये सब एक ही टेस्ट हैं, नाम अनेक हैं। इसको हम वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। इसका एचवी वोल्टेज 6351 और एलवी वोल्टेज 240 वोल्ट है। इसका नो लोड लास्ट टेस्ट करने के लिए इसके एलवी साइड में कनेक्शन कर दिया, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल है। इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एलवी साइड का न्यूट्रल टर्मिनल बॉडी से अर्थ नहीं किया गया है, इसलिए आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यह सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। इसका एचवी वोल्टेज 6351 वोल्ट और एलवी वोल्टेज 240 वोल्ट है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। आगे हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर टेस्ट क्यों किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर का लॉसेज क्यों किया जाता है, इसका लॉस अधिक आए या कम आए, ट्रांसफार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी जस्ट इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये ट्रांसफार्मर का टेस्ट सेटअप पैनल है, जिस पर हम लॉस टेस्ट करेंगे। ये लॉसेज मीटर है, पावर एनालाइजर, हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। इस मीटर में आपको दिख रहा है सिंगल फेज पर हमने किया है, थ्री फेज का पावर एनालाइजर मीटर है। ये सिंगल फेज पर करके देखेंगे। अगर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर टेस्ट करना है तो इसको सिंगल फेज पर करके देखेंगे। 240 वोल्ट दिया करंट, बीच में एम्पियर्स आया, सबसे नीचे वाटेज 19.09 वाट लॉसेज आया, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। हमने 240 वोल्ट दिया, करंट आया 0.254 एम्पियर और लॉसेज आया 19.09 वाट। ये 25 केवीए का सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। अब क्वेश्चन उठता है कि यह टेस्ट क्यों करते हैं, इस टेस्ट से क्या होता है। इस टेस्ट से ओनली कोर लॉस टेस्ट किया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि कोर लॉस अधिक या कम आए तो ट्रांसफार्मर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस लॉस पर ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया है, उस डिजाइन वैल्यू से लॉस अधिक नहीं आना चाहिए। अगर डिजाइन वैल्यू से लॉस अधिक आता है या कोर लॉस अधिक आता है तो ट्रांसफार्मर हीट होगा। मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर लॉस अधिक है, जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर रन करेगा तो ट्रांसफार्मर की कोर हीट होगी, और जब कोर हीट होगी तो कोर, बाइंडिंग और आयल पर भी इफ़ेक्ट करेगा। उसका कोर और बाइंडिंग और आयल भी हीट होगा। जैसा कि मान लीजिए कोर हीट हो रही है, तो कोर जब अधिक हीट होगा तो कोर पर जो उसकी कोटिंग किया गया है, कार्लाइट कोटिंग की गई है, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा, और जो कोर के ऊपर बाइंडिंग किया हुआ है उसका बाइंडिंग का इंसुलेशन हीट होगा और उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और आयल भी हीट होते होते आयल का इंसुलेशन भी ब्रेक होने लगेगा। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का ओवरऑल हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का लाइफ कम हो जाएगा और ट्रांसफार्मर की जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड टेस्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।